पार्ट नंबर 4 से नामांकन पत्र भरने आए वर्तमान पार्षद अनिल सोनी ने कहा कि नगर परिषद में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में बढ़िया काम करके आने वाले लोगों के लिए उदाहरण पेश करने के उद्देश्य से इस बार काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 10 सालों तक सेवा करने का मौका मिला है, अब उम्मीद है कि लोग इस बार फिर से आशीर्वाद देंगे। सर, मेरा जितना नगर परिषद का 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो संघर्षपूर्ण रहा है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया 10 साल, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर लोग हमें मैंडेट देते हैं तो हम आगे भी इससे और ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे। और नगर परिषद को एक, जैसे आज की डेट में अगर नगर परिषद का नाम लिया जाता है तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि नगर परिषद का नाम लेते हैं और करप्शन साथ में अपने आप ही जुड़ जाती है। तो इस तकमे को मैं कोशिश करूँगा कि ये तकमा नगर परिषद में ना रहे, और मैं कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से कम एक टेन्योर जो है वो नगर परिषद का ईमानदारी से लगे, ताकि आने वाले सालों में हमने भी कोई बड़ा लंबा समय तो नगर परिषद में लगाने का मन नहीं है। बस ये है कि ईमानदारी से अगर एक टर्म अच्छे से लगती है तो आने वाले सालों में जो अगले लोग आएंगे हमारे से आगे, तो वो उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन के हम काम करें, ताकि हमारा शहर और सुंदर और अच्छा बन सके। अपने का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि बात यह है कि टिकट देना हमारे लीडर्स की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो मैंडेट लोगों ने देना, टिकट दे के कोई जीत और हार का फैसला नहीं होता है, फैसला तो लोग करते हैं। और मुझे अपने लोगों पे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग सही फैसला देंगे, हमारे हक में देंगे और अपने ईमानदारी से हमें काम करने का मौका देंगे।